तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैकेंसी हैं और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, तो मैं साथ में सारा नोटिफिकेशंस लेके आ रहा हूँ, तो सारा वीडियो पूरा फुल वीडियो देखें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूस इस तरीके के वॉकिंग इंटरव्यू रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यूस चलाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। IIT हैदराबाद लोकेशन के लिए वैकेंसी है, एक पोजीशन है, क्वालिफिकेशन बी फार्मा, BSc, एम फार्मा, और जो एक्सपीरियंस है आपका जो है वो दोस्तों रिलेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो बताया गया 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में होना चाहिए और रिलेटिव होना चाहिए, R&D में हो, ठीक है, तो आपका ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे देखो पूरा जो आपका जॉब है वो आपको बताया गया कि इसमें हो। यहाँ पे एक चीज़ है, आप पढ़ लें भले ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस अगर इससे रिलेटेड तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 28 जून 2020 से पहले पहले आपको एक मेल आईडी पर अपना CV भेजना पड़ेगा, enarm@bm.iith.ac.in, इस पर अपना मेल आईडी करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में जो है प्रोडक्शन केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डालें, ठीक है। तो आपको ये जानकारी, अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हो वहाँ के लिए, तो आपको ये जानकारी मेल के थ्रू दे दी जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो नेक्स्ट वैकेंसी GLS फार्मा लिमिटेड, यहाँ पर दोस्तों QC के लिए वैकेंसी, जहाँ पर पोजीशन सीनियर एग्जीक्यूटिव एम फार्मा मांगा हुआ, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है QA के लिए ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, फ्रेशर लोग जो एम फार्मा और बी फार्मा किए हुए हैं वो लोग यहाँ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। RA के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव एम फार्मा 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। जो दोस्त यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो अपना मेल कर सकते हैं cbhrd@glspharma.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9996012089, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे कि मैं आपको देखो यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट रो देखा तो मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है, जो एरिया सेल्स मैनेजर है उसके लिए वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ, ग्रेजुएशन चाहिए साइंस से, 5 से 6 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए जो आपका एज ए MR, और 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका एज ए ASM होना चाहिए। जयपुर इंदौर लोकेशन के लिए नेक्स्ट देखते हैं, तो स्टोर के लिए वैकेंसी, स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, BSc केमिस्ट्री या बी फार्मा आपके पास है क्वालिफिकेशन में तो आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन 4 से 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पुणे लोकेशन के लिए। नेक्स्ट और देख लेते हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी मार्केटिंग के लिए, जो दोस्तों प्रोफेशनल सेल्स एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख रहे होगे तो आपके यहाँ पे फ्रेशर 2-1 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन साइंस से मांगा हुआ है, यहाँ मेल आईडी भी दी है जिस पर मेल आईडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे दोस्तों HR@AEISENPHARMA.com, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट मेल आईडी भी दी हुई हैं, तो यहाँ पे कई मेल आईडी हैं जिन पर आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो चौथा नोटिफिकेशन, जो चौथा जो है QA के लिए वैकेंसी है, QA एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एम फार्मा बी फार्मा, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 से 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पुणे लोकेशन के लिए। नेक्स्ट QC के लिए वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर डिजिनेशन आपका दिया है, एनालिस्ट है यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है MSc माइक्रो से दिया हुआ है, 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पुणे लोकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करूँ QC के लिए वैकेंसी है, एनालिस्ट केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि रॉ मटेरियल जो भी रिलेटिव फ्रेश प्रोडक्ट आपका, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एनालिसिस करना रहेगा, तो हमें MSc दिया है एनालिटिकल केमिस्ट्री से, तो यहाँ पर तो 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस पुणे लोकेशन के लिए। नेक्स्ट HR के लिए वैकेंसी है, HR ऑफिसर के लिए, यहाँ पर डिप्लोमा HR MBA
आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए मेन चीज़ इसमें। तो आपका 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका HR एडमिन में। यहाँ पुणे लोकेशन के लिए वैकेंसी है। नंबर 8 है दोस्तों प्रोडक्शन वैकेंसी है। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप यहाँ पर इजीली प्रोडक्शन में किसी भी आप चाहे डिप्लोमा हो या BTech हो या MTech हो अप्लाई कर सकते हैं। मेल ID यहाँ पर आपके सामने है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर HR@EISENPHARMA.com यहाँ पर अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्लाई लिंक तो दी नहीं है जिससे मैं आप यहाँ पर लिंक की बताने की कोई ज़रूरत पड़े। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी निकला हुआ गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से निकला हुआ है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकला है जहाँ पर BSc नर्सिंग से मांगा हुआ है। तो यहाँ पर वैकेंसी आप देख रहे हो 484 वैकेंसी, जहाँ पर रिजर्व में 194 वैकेंसी, OBC के लिए 121, SC के लिए 29, STP के लिए 48, STH के लिए 24, EWS के लिए 40 और PH के लिए 20 वैकेंसी इस तरीके से हम बांटी हुई हैं। आपका स्केल ऑफ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है ICU टेक्नीशियंस, यहाँ पे HSS LC SC से मांगा हुआ, जहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन ICU चलेगा, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। लेकिन 125 वैकेंसी जिसमें अनरिजर्व में 50 वैकेंसी हैं, OBC MOBC के लिए 31, SC के लिए 8, STP के लिए 13 और दोस्तों STH के लिए 6, EWS के लिए 12 और PH के लिए 5 वैकेंसी हैं। यहाँ मैं बात करूँ कि भाई इस फॉर्म को भरने का डेट कब से चालू होगा, तो 30/6/2020 से स्टार्ट होगा, 15/7/2020 को इसका क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ करोगे, तो आपको जाना पड़ेगा www.dme.assam.gov.in। मैं आपको बता भी दूंगा, लिंक दिखा भी दूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, नॉट आपका 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो काउंट किया जाएगा 1/1/2020 के हिसाब से, ठीक है। टर्म कंडीशन यहाँ पर दिए जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आप वहाँ पर कैसे पहुँचोगे, लिंक पे जहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ आपके लिंक ओपन होगी 30 तारीख को, तो आपको कैसे पहुँचोगे। देख रहे हो दोस्तों मैंने आपके सामने लिंक ओपन की है, देखो ऊपर आपको दिख रही होगी एक लिंक, ऊपर दिख रही होगी DMEDATAWSAM.gov.in/DHUMENTS-DETAIL/RECRUITMENT। या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचाइए या होम में जाके रिक्रूटमेंट्स में पहुँचोगे तो भी आप यहाँ पर देख रहे होगे रिक्रूटमेंट्स में पहुँचता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर पहुँचूँगा तो मुझे यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस जो भी इसके नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं वो सारे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो अप्लाई लिंक अभी क्या है कि इसका डेट अभी आया नहीं है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई लिंक नहीं दिया है। जैसे इसका 30/6 हो जाएगा तो यहाँ पर अप्लाई लिंक आ जाएगा, आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, यहाँ पर 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर GNM and BSc नर्सिंग अंडर NHM। दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट लिंक दिखा दूंगा, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो ऊपर देखो लिंक दिख रही होगी FHSB18.AJURE.EBSITES.NET/HNO-BACK-BUTTON। यहाँ पर पहुँचोगे इस लिंक पे या ऑफिशियली लिंक पे जाके, तो यहाँ 23 जून से स्टार्ट हो गया है और 14 जुलाई 2020 तक चलेगा ये प्रोसेस। यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो और ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके और इजीली यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वाला नोटिफिकेशन है दोनों, ये नीचे वाला जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन है, इसे पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ चैनल पर कंटिन्यूस विजिट करते रहो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।